हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू BFF। आज हम बनाने वाले हैं नान खटाई। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3/4 कप घी ले लिया है, लगभग 3 बड़े चम्मच घी है ये। अब हम इसमें 1 कप पीसा हुआ चीनी डाल देंगे और इसको एक डायरेक्शन में करते हुए मिलाएंगे, और इसको तब तक मिलाएंगे जब तक कि ये बहुत क्रीमी और बहुत फोम क्रिएट ना हो जाए इसके अंदर। बेसिकली इस प्रोसेस में हमें इन दोनों के जो मिक्सचर है इसके अंदर एयर फिल करनी है। ये करने में आपको 5 से 7 मिनट लगेगा। पीक है ना, वो ऐसे जब होने लग जाए तब समझ जाइए कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा ले लिया है। इसके बाद हम 1/2 कप बेसन लेंगे, और फिर उसके बाद हम 3 बड़े चम्मच सूजी लेंगे, एकदम बारीक वाली सूजी लेनी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। उसके बाद इसमें जाएगा 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। इसमें डालेंगे हम बहुत थोड़ा सा नमक, और यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस लिया है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम इन सबको बहुत ही हल्के हाथों से मिलाते जाएंगे। जैसे आटा गूंथते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं गूंथना है इसको, बहुत हल्के हाथों से करते जाना है। ये मिल गया। अब मैं इसको हाथों से अच्छे से क्रम्बल कर रही हूँ। प्रेशर नहीं लगाना है ज्यादा इसके अंदर, क्योंकि हमें इसके अंदर इस प्रोसेस में भी एयर डालनी है। अब ये देखिए 2 मिनट बाद ये अच्छे से गूंथ चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज से मैंने निकाल लिया है और ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं एक स्पून की हेल्प से थोड़ा सा इसमें से डो लूंगी। स्पून से मैंने इसलिए लिया है ताकि मेरी जितनी भी नान खटाई बने वो इक्वल साइज की हो। इसको निकालने के बाद हम हल्के हाथों से रोल कर देंगे, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से करते करते जाना है। और ये देखिए कुकी की कितनी अच्छी शेप आई है। मैंने यहाँ पे कुछ चॉप्ड बादाम ले लिए थे, अब इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे बना लिए हैं। मैंने एयर फ्रायर पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसको हम पॉज करेंगे, और इसके अंदर हमने जितने भी कुकीज बनाई है वो डाल देंगे, और सबके बीच में स्पेस रखेंगे ताकि जब वो फूले तो एक दूसरे से चिपक ना जाए। और अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। बारह मिनट हो चुके हैं, मैं अभी चेक कर लेती हूँ, अगर हो गया तो हम रिमूव कर देंगे। यस, इट्स परफेक्टली डन। क्रैक्स आ चुके हैं इसके ऊपर और ये बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसको हम रिमूव कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम तोड़ के देख लेते हैं। बहुत ही क्रंची बना है, इट्स टोटली वर्थ इट। तो हमारी नान कटाई बनके बिल्कुल तैयार है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।